प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के सेवक गण हैं उन सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह निरंतर प्रकट करता रहे, आशीष की वर्षा करता रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो पर हम विशेष कर आपके जीवन पर परमेश्वर का भरोसा की आशीष प्रकट हो, इसके लिए हम वचन को देखेंगे और उस पर मनन करेंगे और अंततः आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन पर परमेश्वर का भरोसा प्रकट हो जाए और भरोसा निरंतर प्रभु पर बना रहे, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और यह वचन इस बातों को पॉइंट करता है कि आपके जीवन पर अशांति है, घबराहट है और विपत्ति में आप जब घिरे हुए हैं, यह वचन और प्रार्थना आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तत्पर करेगा और यह वचन आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन पर आप समस्या में हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, शांति आपके जीवन पर नहीं है, आपको हर तरीके से घबराहट महसूस हो रही है, तो आप इसके द्वारा आप अपने जीवन पर आशीष को देखेंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे, चिंता से मुक्त हो जाएंगे, घबराहट आपके जीवन में से चला जाएगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आप अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को विशेष रीति से देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं वो टलने वाले नहीं होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जिस प्रकार से वचन सीता 11 अध्याय और 7 अध्याय और 26 अध्याय और 31 अध्याय इन सबों का पहला आयत में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए वचन दिया हुआ है, हम देखेंगे भजन सीता 7 अध्याय उसका पहला आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा ले, अर्थात छुटकारा दे। परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, प्रभु से आप इस शब्द को कह रहे हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है जितने उसके पीछे आते हैं उन सब को वह चंगा करता है, भोजन देता है, सुरक्षा करता है और उनकी जिम्मेदारी लेता है। जिस प्रकार से 26 अध्याय और उसका पहला आयत में हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहता हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका भरोसा परमेश्वर पर अटल होना चाहिए और परमेश्वर पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर के चेलों ने आकर कहा कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, वैसे ही आपको निरंतर प्रभु से कहते रहना चाहिए कि मेरा भरोसा प्रभु तुझ पर बना रहे और बढ़ता चला जाए, निरंतर मेरा भरोसा तुझ पर बढ़ता चला जाए। क्योंकि आप बिना भरोसे के परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप एक व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, वकील पे भरोसा करते हैं और अन्य लोगों पे भरोसा करते हैं और आप उन पर भरोसा करके आपके जीवन पर दुख को प्राप्त करते हैं, जब वो आपका काम नहीं करते, उसे पूरा नहीं करते हैं, फिर अंततः आपको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र भरोसे के लायक है और वह भरोसे को कभी नहीं तोड़ता है और वह उसको पूरा भी करता है। जो बातें आप परमेश्वर से कहते हैं वो उसको पूरा करता है कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी रक्षा कर, तो वो आपकी रक्षा करेगा और वो आपको निरंतर संभालेगा। विपत्ति में है उस समय पर आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है,
तू मुझे इस विपत्ति से निकाल लेगा। आपका छोटा सा शब्द परमेश्वर के कानों पर पड़ा तो परमेश्वर तुरंत आपके लिए अपने स्वर्ग दूतों को आदेश दे देता है कि आपके लिए वो हर प्रकार से आशीष के कामों को प्रकट करे, विपत्ति से आपको बचाए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को मरुस्थल में चट्टान में से जल को पिलाया, आकाश से भोजन वस्तु दी और उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए, उनकी जूती कभी फटा नहीं और उनके विरुद्ध में जो भी सेना आती थी उनको परास्त कर देता था, लाल समुद्र को दो भागों में बांटकर निकाल लिया उनको और वे आनंद कर रहे थे। परमेश्वर उनको बचाता था दिन में रात्रि में हर समय परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि वो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। मूसा के कहे अनुसार जब जब वो पीछे हटते थे तब तब उन पर विपत्तियां आ जाते थे। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य अपने आप में जब चलना आरंभ करता है उसके पास सही ज्ञान नहीं होता है, सही दिशा नहीं होता है, सही टेक्नोलॉजी नहीं होती है, न सही मार्गदर्शक होता है, इसलिए उसका भटकना निश्चित हो जाता है, उसका गिरना निश्चित हो जाता है, उसका विलाप करना निश्चित हो जाता है और अपने अनुसार अपने जीवन पर नाना प्रकार के परेशानी और बीमारियों को और हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स को पाना आरंभ हो जाता है। परंतु जब वह रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, मुड़ता है, टर्न करता है परमेश्वर की ओर, तब परमेश्वर उसकी सुधि लेता है और अपने हाथों को बढ़ाकर उसे थाम लेता है, चाहे वह दुख में हो, कर्ज में हो, परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, चिंताओं में हो, परमेश्वर उसे तुरंत तत्काल उसमें से बाहर ले आते हैं। यदि आप दुख के भरे गड्ढे कुएं में हैं तो आप परमेश्वर को कहें, मेरा भरोसा प्रभु तुझ पर है, मुझे इसमें से बाहर ले आ। मैं प्रभु आपके शब्दों में अपने आप को देता हूं कि प्रभु जितने प्रभु आपको पुकारते हैं आप उसकी सुनकर उनको हर एक प्रॉब्लम से बचा लेते हैं और हर एक समस्याओं में से उसको बाहर ले आते हैं। परमेश्वर मुझे भी बाहर निकाल और हर एक संकट में से मुझे भी बचा ले। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को कहें कि मेरा भरोसा तुझ पर है और वह अटल बना रहेगा, इसे अटल बने रहने के लिए मेरी सहायता कर। परमेश्वर निरंतर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं वो बहुत ही आशीषित होते हैं। अब्राहम भी परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर के कहे अनुसार वह हर एक अपने देश के संबंधियों को छोड़कर अपने देश को छोड़कर परमेश्वर के कहे अनुसार वह निकल गया। परमेश्वर जब जब कहता है और आप उस पर भरोसा करते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और जब आप परमेश्वर को कहते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पर है तो परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। आपको ये सब शब्द सुनकर क्या आपको आपकी आत्मा में यह अगुवाई नहीं हो रही है कि परमेश्वर को कहें कि हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरे भरोसे को तू बढ़ा। आप यदि इस वचनों को सुन रहे हैं तो आपके जीवन पे परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है और शैतान के बंधन टूट रहे हैं, आपके ऊपर में से अशांति की आत्मा जा रही है, घबराहट की आत्मा जा रही है और आप आशीषित हो रहे हैं। आइए इस मध्य में हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं वो आशीषित हो, जो सुनने वाले हैं वो आशीषित हो और जो लगातार सुनते हैं वो बार बार उनके ऊपर में से प्रॉब्लम समस्याएं जो आते हैं वो टूटने पाए और आशीषित होने पाए। पवित्र महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों को आशीषित कर दीजिए हर एक चिंता से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक घबराहट से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से जो उनके जीवन पर
घबराहट, चिंता और अशांति को ला करके रखी है। वो चिंताओं में है, वो हर एक तरीके से प्रॉब्लम में डूबे हुए हैं, तो आप उनको बाहर ले लाएं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से परमेश्वर कहा कि मेरा भरोसा तुझ पर है, और उन्होंने सुना अपने कानों से कि मेरा भरोसा तुझ पर है। वो अपने हृदय से कहते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पर है, हाँ प्रभु मुझे बचा ले। वो यस और आमीन में अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ प्रभु मुझे छुड़ा ले। प्रभु आप अपने लोगों को आशीषित कर दीजिए, उनको छुड़ा लीजिए, उनको बचा करके आप ऊंचे चट्टान पे खड़ा करें, और एक ज्योति के समान आप उनको निरंतर चमकाते रहें, और उनकी रोशनी के द्वारा आसपास के उनके हर एक क्षेत्र प्रभु रोशनीमय होने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन से हर एक शैतानी कामों को दूर करें, और निरंतर अपने लोगों को आप उन्नति देते जाएं, क्योंकि आपके वचन के अनुसार जो आपके पीछे चलता है वो आपके समान होता जाता है और आपके आशीषों को प्राप्त करता जाता है। प्रभु आपके नाम में विजय है, आपके नाम में आशीष है। प्रभु यीशु आपके नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी असंभव संभव में बदल जाता है। स्वर्ग का प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे हर एक प्रार्थना को आपने सुन लिया है, विश्वास करते हैं। जो आपके लोग प्रॉब्लम समस्या जो भी बातों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप उनको आशीष दे, और उनके भरोसा को प्रभु आप कभी भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर हैं, करुणामयी, दया करने वाला और आशीष देने वाला परमेश्वर हैं। आकाश के झरोखों को खोलकर आप अपने लोगों को आशीष दे, और उनके अन्न धन जल पर आशीष को प्रदान करें। बीमार हैं तो वो चंगे होने पाए, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, हर एक ऑर्गन्स यीशु मसीह के नाम से हील होने पाए, चंगा होने पाए, आशीषित होने पाए। प्रभु आपके लोग निरंतर आप में बढ़ते रहने पाए, और प्रभु आपके नाम से उनके जीवन पर भरोसे की आशीष प्रकट हो जाए। आप पे भरोसा रखना कभी भी वो बंद ना करें, ना कभी भी कम हो, निरंतर बढ़ते रहने पाए, आप पर भरोसा रखने पाए। पवित्र प्रभु आपके लोग निरंतर आप में आशीषित होते जाए, और प्रभु आपके लोग परमेश्वर पहुंची सब प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के जो आशीष आपने स्वर्ग में रखे हैं उनके लिए विशेष वो मिलने पाए, और हर एक बंधन टूट जाए शैतान के जो उन आशीषों को प्राप्त करने के विरुद्ध में उठ रहे हैं। आपके लोगों के संग और साथ में हैं पिता, हम विश्वास करते हैं आपने सबको आशीषित किया है, हम विश्वास करते हैं। सारे प्रार्थनाओं के उत्तर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आपके लोगों के लिए, उनके जीवन पर आपके प्रति भरोसा की उन्नति हो और बढ़ने पाए, ये हम प्रार्थना यीशु के नाम में स्वर्ग से हर एक प्रार्थना के उत्तर आशीष को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर पे आप निरंतर बढ़ते जाएं और अधिक से अधिक परमेश्वर में आशीषित होते जाएं। प्रति दिन के वचन और प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर के राज्य की उन्नति में होने के लिए सहायता करने के लिए आप वचन को शेयर जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन फैलने पाए और आप परमेश्वर में निरंतर सीखते जाएं, क्योंकि जो आप सीखेंगे वही आप बता पाएंगे और शैतान के सामने में बोल पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे, और आपके जीवन पर आशीष आएगा, परमेश्वर आपको निरंतर आशीषित करता जाएगा। विशेष प्रार्थना देना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको निरंतर आशीषित करता जाए। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संग और सहभागिता निरंतर आप सबके साथ में, परमेश्वर के हरेक पवित्र लोगों के साथ में परमेश्वर निरंतर करता रहे और सब आशीषित होते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।